हैप्पीली डिवोर्स्ड रियली? आजकल ये बहुत ट्रेंड चल गया, लोग तो केक भी काट रहे हैं आप डिवोर्सेस पे। फ्रैन डेशा का एक प्रोग्राम भी चला था हैप्पीली डिवोर्स्ड का। उस बेचारी को तो खैर बाद में बच रहा था, उसका मियाँ गे था और वो इतने सर्व कर रही थी। दैट इज अनदर स्टोरी। बट माई टॉपिक टूडे इज वाई डज द मैरिज नॉट लास्ट द वे इट यूज टू। जैसे पहले शादियां चलती थी वैसे अब क्यों नहीं चलती, अब डिवोर्स रेट इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड। एंड द रिव्यू दैट वॉज डन, उसमें जो जवाब आए हैं पहले मैं आपको वो सारे सुना देती हूँ, एंड देन आई गिव यू माय व्यू अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी, व्हिच इज सारी टॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स, बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू वर्क थिंग्स आउट एंड डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर। मॉरल्स, लैक ऑफ कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, इट इज सच अ मी थिंग फर्स्ट। God is not the top priority because women no longer rely on men anymore and won't tolerate the crap because women can now support themselves and their families. ये बहुत जगह पे आया है। They put a price tag on divorce and make it affordable. Morals don't stand a chance. In many cases, women stayed as they had little choice. Legally, women don't have many rights and as citizens. Improving the last quarter, ये जो last quarter of the century है, currently many couples simply live together without marriage could be the reason for this. ये West में तो अब बहुत हो रहा है, totally a different time than it is today. We do not have to stay just because society thinks that is what we should do. Till that do us apart is no longer one's only option. Just saying. Women have rights now. Women don't put up with bad spouses. Women stayed because they had kids and couldn't support their children on one paycheck. Lack of communication and respect for each other. Because women are now having to work and are becoming more independent and just don't let the men who once had all the power of all decisions decide the directions in which way to go. सही बात है। इसके सबके बहुत सारे जवाब है मेरे पास, पढ़ने लगूं तो 100 के हिसाब से, लेकिन कुछ बातें मैंने इसमें लिख के रखी है जो मैं आपके सामने कहना जरूर समझती हूँ कि जो रीजन है हो सकते हैं डिवोर्स के, जो आजकल ज्यादा डिवोर्स हो रही है। डिवोर्स जो है वो आजकल डिवोर्स लेना ईजी हो गया है। पुराने जमाने में ये था कि आप डिवोर्स नहीं ले सकते थे, कम्युनिटी अलाउ नहीं करती थी। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहते थे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी अलाउ नहीं करती थी, मुस्लिम कम्युनिटी में रह रहे हैं तो खुलाव वॉज नॉट अलाउड। तो डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल और बहुत टैग्ड किस्म की चीज थी। इसके अलावा ये है कि वुमेन के नाउ सपोर्ट देमसेल्व्स। पहले ये था कि औरतें जो हैं वो काम नहीं करती थी, या औरतों को काम मिलता नहीं था, या वो काम कर नहीं सकती थी इतना ज्यादा, उनके पास इतनी चॉइसेस नहीं थी काम करने की। तो इस वजह से वो बेचारी फिर चुप करके अपने हस्बैंड के साथ रह लेती थी, गुजारा कर लेती थी, बिकॉज दे हैड नो वे टू गो। घर में माँ बाप कह दिया करते थे शादी करके निकाला तो जनाजा ही आएगा, यू नो दैट काइंड ऑफ बॉलीवुड में टाइप ऑफ डायलॉग्स होते थे। वुमेन आर मोर एजुकेटेड नाउ, दे हैव मोर ऑप्शंस। ये भी वजह है डिवोर्स की। इन सबको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करती हूँ। Women know that they no longer have to live in unhappy and abusive marriage. खुद को सपोर्ट कर सकती हैं तो फिर डांटे मारे क्यों खाए ना, सीधी सी बात, सब सही है। पहले ये था कि डिवोर्स अगर आप हैं तो आपके यहाँ पे एक टैग होता था डिवोर्सी, अब वो टैग खत्म हो गया है, तो देयर इज नो टैग। और औरतों को ये आजादी मिल गई है कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि आप देखिए कि अभी भी अगर एक डिवोर्स्ड औरत है तो सोसाइटी में हमारे यहाँ की जो रियलिटी है वो यही है, यहां तक कि मैं यूरोप में रहती हूँ और यहाँ पे भी टू एन एक्सटेंट, आई वुड नॉट से, लेकिन टू एन एक्सटेंट यहाँ पे भी ये रियलिटी है कि इफ यू आर डिवोर्स्ड तो आपको जो दूसरा पार्टनर है वो आपको छानबीन करके लेगा। व्हाई डिड द डिवोर्स हैपन, व्हाट हैपेंड, यू नो। लेकिन जो ईस्टर्न सोसाइटीज हैं उसमें तो एक डिवोर्स्ड औरत का अभी तक बहुत ज्यादा, अब बहुत खुल गए हैं, अब बहुत उनको आजादी हो गई है, बहुत आसान हो गया है डिवोर्स्ड औरत का शादी करना, लेकिन अभी भी मुश्किल है। पुराने जमाने में, इन नट शैली जो सारी बातें मैंने आपके साथ की है, पुराने जमाने में डिवोर्सेस इसलिए कम होती थी, ये नहीं कि नहीं होती थी, होती थी,
बहुत बहुत किस्से होते थे. आई हैव हर्ड अबाउट अ केस जिसमें एक औरत ने अपने मियाँ से डिवोर्स लेके अपने देवर से शादी कर ली थी. तो इस किस्म स्कैटलाइज्ड किस्म के भी होते थे. उनका बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगी क्योंकि लाहौर वाले सब जान जाएंगे, बट इट हैपन्ड. तो होता था, पुराने जमाने में भी होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम होता था इसलिए क्योंकि लोग जो थे वो ज्यादातर ये होता था कि एक दूसरे के साथ पैच अप कर जाया करते थे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. बच्चों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से, लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से. एंड वेरी जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत ही जीनियस बात है जो मैंने इन सारे हालात में देख के जो सुनी. और मैं आपसे पिछले दिनों में एक प्ले देख रही थी, मुझे वो महवेश हयात, मुझे वैसे तो वो बेचारी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इतफाक से वो उसका ट्रेलर आ गया और उसमें उसने एक बात कही. तो कई दफा किसी ऐसे इंसान की बात भी अच्छी लग जाती है जो इंसान आपको पसंद ना हो. लिजा उसने तो नहीं कहा, डायलॉग वाले ने कहा था, ब्यूटीफुल डायलॉग्स. उसने यही कहा कि मैं डिवोर्स लेना चाह रही थी अपने हस्बैंड से, बट देन माई आई डोंट नो अंकल और आंट और वट एवर नानी वट एवर, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे हस्बैंड ने 4 दफा तुम्हें धोखा दिया है. इफ यू टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हिम एंड मैरी समबडी एल्स तो तुम फिर वन से शुरू करोगी. देखिए मर्द धोखा ना दे, दिस इज वन इन 99%. ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मर्द बुरे होते हैं, लेकिन मर्दों की एक नेचर है कि उनकी आंखें जो है वो वंडर करती है, इधर उधर फिरती हैं. कुछ लोग सीरियसली कर जाते हैं, ज्यादा कर जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ नजर से देख के दिल खुश करके घर आ जाते हैं, कुछ लोग चक्कर चला के घर आ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अगले इंसान का दिल तोड़ के उससे बदवाएं लेके घर आ जाते हैं. बहुत सारे किस्से होते हैं दुनिया में, बहुत कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता. बट कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, द थिंग इज कि अगर आपका मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा चल रहा है, आप दोनों डिफरेंट लोग हैं, पहले तो इस बात को समझ जाइए. आप किसी और ब्रिंगिंग अप से आए हैं, आपका पार्टनर किसी और ब्रिंगिंग अप से आया है, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं है. अगर आपने शादी से पहले ये बात नहीं देखी या नहीं देख सके, या आपकी अरेंज्ड मैरिज थी, आपको पता नहीं था, तो इस बात का चांस है कि आप बिल्कुल ही कंपैटिबल नहीं है और इतना ज्यादा घबरा है कि आप एमिकेबली अलग हो जाए. दैट इज समथिंग एल्स. डिवोर्सेस का रेट इतना ज्यादा क्यों चल रहा है? डिवोर्सेस का रेट इतना ज्यादा जो बढ़ गया है वो इसलिए बढ़ गया है बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू गिव एनीबडी अ सेकेंड चांस. गलती हर इंसान से हो जाती है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, गलती हर इंसान से हो जाती है. देखना ये पड़ता है कि ये गलती जानबूझ के की गई या गलती गलती से हो गई, और अगर जानबूझ के की गई तो क्या एक दफा की गई या 5-6 साल तक की गई. डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं ना. तो ऐसे भी कपल्स हैं जिनको पता है कि एक दूसरे का क्या, यू नो, यू लिव योर ओन लाइफ, आई लिव माय ओन लाइफ, बट फेसबुक पे तस्वीर खिंचवाने के लिए हम इकट्ठे हैं, विच इज वेरी सैड, नॉट रिकमेंडेबल. ये सारी बातें अपनी जगह है. डिवोर्स रेट लेकिन सिर्फ ज्यादा इसलिए हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज करने को कोई तैयार नहीं है, ना मर्द ना औरतें, और ज्यादातर औरतें, क्योंकि शादी जो है ना जी, सीधी सी बात है, शादी जो है ना ज्यादा औरत के हाथ में होती है. बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, और होते हैं मेरे साथ ये, मैंने ऐसा भी देखा कि मर्दों ने जो है वो औरतों को छोड़ते, तो खैर ज्यादातर मर्द ही है. मेरा मतलब है कि मर्दों ने उस सिचुएशन में जो औरत ने क्रिएट की थी उसमें से अपने आप को निकाला है. ज्यादातर मर्द सिचुएशन क्रिएट करते हैं और औरत उसमें रहती है या उसको संभालती है, जनरली ये होता है. लेकिन दुनिया में क्या क्या नहीं होता. तो लेकिन होता यह था कि पुराने जमाने में औरतें जो है वो बर्दाश्त की ताकत ज्यादा रखती थी. अब औरतों में बर्दाश्त की ताकत कम हो गई. अच्छा है बुरा है, दैट डिसीजन आई लीव इट टू यू. मैं नहीं कहूंगी कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अच्छा है, बहुत सारे केसेस में बुरा है. सो आई विल नॉट से, आई विल नॉट गोइंग टू दिस डिबेट कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन डिवोर्स रेट हाई हो गया है बहुत ज्यादा. अगर आप पर्सनली मेरी ओपिनियन पूछे तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जब तक चल सकता है, जब तक चल सकता है उसको चलाइए. इसलिए फिर वही बात आ जाएगी, किसी दूसरे के साथ शुरू करेंगे तो नंबर 1 से शुरू करेंगे दोबारा से. तो 10 लोगों की बाहर बातें सुनने से एक ही की बातें सुन ले इंसान, यू नो. लेकिन उसमें फिर सिचुएशन ये होनी चाहिए कि जिस एक की आप बात सुन रहे हैं उसमें कोई इतना अच्छी बात भी होनी चाहिए कि आप उसको. देखिए हर इंसान बुरा भी नहीं होता, हर इंसान अच्छा भी नहीं होता, हर इंसान अच्छा और बुरे का मुरब्बा है. ठीक है, देखना आपको ये है
कि क्या उसकी बुरी आदतें जो है वो उसकी अच्छी आदतों से ज्यादा है। अगर तो ज्यादा है तो फिर छोड़ दीजिए, और अगर समझते हैं कि इसमें इतनी बुरी आदतें हैं लेकिन इसमें इतनी ज्यादा अच्छाइयां भी हैं तो ट्राई करके देख लीजिए। डिवोर्स रेट, ये बात 100% है कि डिवोर्स रेट आजकल बहुत ज्यादा हो गया है और बढ़ता जा रहा है ट्रेंड। यूरोप में बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है लिविंग टुगेदर का, और अब तो ईस्टर्न हमारी कंट्रीज जो है उनमें भी लिविंग टुगेदर का बहुत ज्यादा आ रहा है, जो कि हमारे रिलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग, दिस इज द रियालिटी कि लिविंग टुगेदर का है। लेकिन मैं आपको एक बात जाने से पहले जरूर बता दूंगी, टू ऑल यू यंग पीपल हु लिविंग टुगेदर, व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर यू आर नॉट हिज ऑफिशियल पार्टनर। ठीक है, एक बीवी चाहे आपसे अलग भी रह रही होगी ना, चाहे 6 साल से आपकी जो है वो सेपरेशन होगी, शी स्टिल विल बी मिसेस सो एंड सो, शी विल स्टिल बी, अब वो मर जाता है तो उसकी जायदाद की वारिस भी होगी। ठीक है, और लोग अफसोस करने जाएंगे तो उससे करने जाएंगे। राजेश खन्ना की डेथ हुई थी कुछ 8-10 साल हुए, एंड डिंपल कपाड़िया एंड राजेश खन्ना वर लिविंग सेपरेट फॉर आई डोंट नो अफ्टींथ ईयर्स। लेकिन जब राजेश खन्ना मरा तो लोगों ने डिंपल कपाड़िया के साथ ताजियत की थी, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी अज्जू या क्या जो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी उसके साथ नहीं की, और वो बेचारी उसके साथ 10-15 साल रही भी लेकिन उसको घर उसको नहीं मिला, घर डिंपल को मिला और उसकी बेटियों को मिला। तो दिस इज द हार्ड रियालिटी ऑफ लाइफ, यू हैव नो स्टेटस, लिव इन हैज नो स्टेटस अनलेस इट इज लीगलाइज्ड। तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ गर्ल्स, हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट, डोंट गेट योर सेल्फ यूज्ड, बिकॉज कॉकटेल एक मूवी, उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग था, मैं ये भी जरूर कह दूंगी कि ना वो उनका रिलेशनशिप खत्म होता है, वेरोनिका और पता नहीं लड़के का क्या नाम था, सैफ अली खान का क्या नाम है उस पिक्चर में, और दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप खत्म होता है, तो दे आर लाइक फाइटिंग। तो वो उसको कहती है कि तुमने मुझे यूज किया, और तो वो तो प्लीज डोंट टेल मी तुमने मुझे यूज किया एंड ऑल दैट, तुम विलिंग थी। तो शी सेज टू हिम कि तुम भी तो विलिंग थे, I mean, we both lived together because we were willing. And now that you don't want, you're throwing me out. Throwing out to nahi, wo to nikalta tha uske ghar se, throwing out of his life. So, a genuine relationship is a relationship jahan heart or mind, dono compatibility ho. Doesn't happen all the time. Lekin, ek contract jo hai, wo agar nahi hai, to izzat to nahi hai. ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो ट्राई एंड सी कंपैटिबिलिटी, पॉजिटिविटी कहां तक निकल सकती है एक मैरिज में, एंड ट्राई एंड डू इट एंड ट्राई एंड लिव टुगेदर। बिल्कुल ही अगर 100% ही काम खराब है तो छोड़ भी दें, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सच है कि आजकल की लड़कियों में और लड़कों में भी फॉर दैट मैटर बर्दाश्त का मादा जीरो पे आ गया, तो बर्दाश्त को थोड़ा सा बढ़ाइए, बिकॉज nobody इज परफेक्ट, नॉट इवन यू आर परफेक्ट। चिल्ड्रेन, चेमन परदेसी, मेडिटेशन शुरू।